सारे देख रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है श्रीमती चांदरानी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जी जैन जम्मू निवासी जो आजकल वो लुधियाना में निवास कर रहे थे, कल अपनी लंबी बीमारी के कारण अपनी आयुष्य कर्म पूरी करते हुए गुरु चरणों में लीन हो गए। उनकी स्मृति में एक सीमित धार्मिक सभा का आयोजन यहाँ पे परिवार की तरफ से किया गया है। मैं सबकी तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प रखता हुआ भगवान श्री से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी धार्मिक सहनशील देवी की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनका निवास दे। इन शब्दों के साथ, क्योंकि COVID-19 की वजह से बहुत ही सीमित कार्यक्रम यहाँ घर पे ही रखा गया है, तो हम सब उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प रखते हुए ये धार्मिक जो आयोजन है उसका निर्वाह करेंगे। सभी भाई बहन अपने अपने श्रद्धा के मुताबिक ओंकार मंत्र का जो जाप है वो शुरू करेंगे। नमो आयानम नमो गजानम नमो लोहे सब साहूनम नमो आरिहंतानम नमो सेवानम नमो आयानम नमो गजानम नमो लोहे सब साहूनम नमो आरिहंतानम नमो सेतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहूनम नमो आरिहंतानम नमो सेतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहूनम namo sedanam namo ayadiyanam namo vajayanam namo lohe sabasahunam namo ayadiyanam namo sedanam namo ayadiyanam namo vajayanam namo lohe sabasahunam namo arihantanam namo se
लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं नमो लोहे सर्व साहूनं नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो आयरियानं नमो उपजायानं namo lohe sarv saahunam namo arihantanam namo sedhanam namo ayadiyanam namo upajayanam namo lohe sarv saahunam namo arihantanam namo sedhanam namo ayadiyanam namo namo lohe sarv saahunam namo arihantanam namo sedhanam namo ayadiyanam namo upajayanam namo lohe sarv saahunam namo arihantanam namo sedhanam namo ayadiyanam namo upajayanam namo lohe sarv saahunam eso panchanam okaro sarv kaalo vinashano mangalanam cha sarve sim paramam bhavai mangalam mangalanam cha sarve sim paramam bhavai mangalam जिसने राक्षस रामादित जीते सत जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया बुद्ध भी
सुखी रहे सब जीव जगत में
कोई कभी ना घबरावे, पाप अभिमान छोड़ दे, नित्य नए मंगल लाए, हर जन चारे धर्म की विस्तृत खुश कर हो जाए, ज्ञान पर हुआ करे धर्म निष्ठ होकर राजा किया करे रोग मरी दूर कृष्ण करे प्रजा शांति से जिया करे परमहे सागर जगत में पहले सब क्रिया करे पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर परवाह करे शब्द में कोई मुख से कहा करे वहां पर सब युग वीर हृदय से देशों नदी अपना करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट साथ अब दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए फरीदाबाद से रचना जी दो शब्द कहेंगे। समता भरी ममता भरी ऐसी थी मेरी माँ, निश्चल थी निष्कपट थी सरल हृदय थी मेरी माँ, जीवन से वह थी भरपूर चली गई अब कितनी दूर, परायों को भी लेती थी अपना बना ऐसी न्यारी थी मेरी माँ, वेदना से वह हारी थी या वेदना को उन्होंने हराया था, मेरे मायके का बचा हुआ वह ही एक सरमाया था, हम बहनों को एक परिवार में बांधने वाला वह ही अब एक धागा था, अंतिम दर्शन भी ना कर पाई ये मेरा दुर्भागा था, पापा जी का साथ छूटे होने को था एक साल, बिखर कर भी अपने को वह लेती थी संभाल, अपने बच्चों का संग यही था बस जीवन की उनकी उमंग, सबके लिए था मन में प्रेम अगाध, अपनी ममता से ही सबको लेती थी बांध, मुझे संस्कारित करने वाली मेरी स्नेहमयी माँ, कुशल गृहिणी गायिका कवित्री अन्नपूर्णा, धन्य हुई जो पाया ऐसी कोख से जन्म, ऐसी सरल आत्मा को मेरा शत शत नमन। जय जिनेंद्र, आज हम श्रीमती चांदरानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री शील कुमार जी, उनके देहावसान पे आज की परिस्थिति को देखते हुए, जबकि अभी उनकी बिटिया ने अपने श्रद्धा सुमन अपनी माता को अर्पित किए, एक ऐसा समय आ गया है कि हम चाहते हुए भी अपने नजदीकों के पास, अपने करीबियों के पास, अपने परिजनों के पास दुख के समय में भी नहीं पहुंच पाते। मैं जम्मू समाज की तरफ से, ऐसे जैन सभा जम्मू की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
वह एक ऐसे परिवार में ब्याही आई, विद्यावंती जंगीलाल जैन परिवार, जम्मू का विशिष्ट परिवार। पूरे परिवार के एक एक सदस्य का अगर नाम लिया जाए तो शायद हमारे पास समय कम रहेगा। सभी का योगदान जम्मू जैन समाज में अतुल्य रहा है। उनके जंगीलाल जी के परिवार के, चाहे हम श्री प्यारालाल जी की बात करें जो जम्मू जैन समाज के 15 वर्षों तक प्रधान रहे, दर्शनलाल जी प्रोफेसर साहब दिल्ली रहे और वहां पर सभा में महामंत्री रहे, श्री ओम प्रकाश जी हमारी युवा वर्ग जैन युवक संघ के प्रधान रहे और चांद रानी जी के पति श्री शील कुमार जी भी जैन युवक संघ के प्रधान रहे। आज तकरीबन 10-11 माह हो गए जब हमें ये दुखद समाचार मिला था कि शील कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, और आज ये दुखद समाचार हमें मिल रहा है कि एक लंबी अस्वस्थता के बाद ये भी हमें छोड़ के चले गए। जम्मू में कई वर्षों तक रहे और यहाँ उनके भतीजों ने, चाहे राजेश जी हों चाहे सुनील जी हों, उनकी पूरी सेवा में लीन रहे। पर जैसा कि लुधियाना में मेडिकल फैसिलिटीज भी बेटर हैं तो वो लुधियाना शिफ्ट हो गए, और लुधियाना उनकी बेटियों ने, उनके दामादों ने जो सेवा की वो एक उदाहरण के तौर पर जम्मू जैन समाज में बताया जाता है और बताया जाता रहेगा। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि बेटियां दो परिवारों का बोझ, उनका मान सम्मान अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ती हैं, और इनकी चारों बेटियों ने न केवल अपने माता पिता का नाम, उनका गौरव बढ़ाया, जहां ब्याही गई उनका भी गौरव बढ़ा रही हैं। वे हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी तरह का एहसान किया, किसी तरह की उन्होंने मेहरबानी की, उनका फर्ज था। और जो हम ये इस परिवार को, उनकी बेटियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू जैन समाज आपके परिवार द्वारा, आपके माता पिता द्वारा किए कार्यों को कभी भूलेगा नहीं। हर समय हर पल हम आपके साथ खड़े हैं। इस दुखद घड़ी में ये जरूर है कि हम फिजिकली आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, लुधियाना नहीं आ पा रहे, लेकिन सभी मन से, सभी हृदय से, पूरा जैन परिवार जम्मू का आपके समक्ष है, आपके पास है। हम इस परिवार की, खास तौर पर श्री शील कुमार जी की और आंटी चांद्रानी जी की, जम्मू के प्रति उनकी निष्ठा लुधियाना जाने के बाद भी संपूर्ण रही। मुझे ध्यान है जब हम शुरू शुरू में कार्यरत हुए समाज में और जब भी इनके पास जाना होता था, इतना प्रोत्साहन हमें अंकल से मिलता था, इतनी हिम्मत हमें उनसे मिलती थी जो हमारे कार्यों में और उत्तेजना पैदा करती थी। लुधियाना जाने के बाद भी जब भी इनसे मुलाकात हुई तब भी उनके हृदय में जम्मू समाज, जम्मू की गतिविधियां, जम्मू के हालात उनके दिल में रहते थे, चिंतित रहते थे कि क्या हो रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे और उनको हमेशा अपने दिल में और अपने हृदय में समा के रखेंगे। आज हमारे जम्मू समाज की विभिन्न विभिन्न जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी ने अपने शोक संदेश भेजे हैं। जैन स्त्री सभा,
एसएच जैन सभा गांधीनगर, एसएच जैन सभा जैन नगर, एसएच जैन सभा त्रिकुटा नगर, जैन तरणी मंडल, श्रमण संस्कृति मंच, श्री महावीर जैन सिलाई स्कूल, श्री जीवदया चैरिटेबल सोसाइटी, जैन युवक संघ, श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, सभी संस्थाओं की तरफ से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मैं सभी संस्थाओं की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज परिवार ने, उनकी बेटियों ने, श्रीमती डॉली जी, संगीता जी, रचना जी, दिव्या जी, उनके दामाद सुनील जी, सुमत जी और राजीव जी, इन सभी की तरफ से, उनके जम्मू के परिवार की तरफ से हमें बताया गया है कि दोनों की याद में 11 लाख रुपए की राशि वे जम्मू जैन समाज को सन्मति सदन में लिफ्ट के लिए देते हैं। मैं पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से, जिस वजह से, जिस कारण से आपने ये धनराशि जम्मू जैन समाज को दी है, उसको पूर्णता हम सफल करेंगे और उनकी याद में हमेशा हमेशा के लिए ये एक अटूट सिंबल रहेगा जम्मू जैन समाज में इस तरह से। और इसके अलावा इन्होंने एस एस जैन सभा गांधीनगर को 21,000 की राशि, दादियों के दरबार के लिए 21,000 की राशि और जीवदया के लिए 11,000 की राशि भी दी है। मैं उन संस्थाओं की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमारे पास शोक संदेश जैन रैंका परिवार की तरफ से भी आया है। मैं उनकी तरफ से भी परिवार को शोक संदेश अर्पित करता हूं दिवंगत आत्मा के चरणों में। अब मेरी विनती है कि श्रीमती चांद्रानी जी के मायके से हमें पगड़ी जो लाए हैं वो पगड़ी रसम पूर्ण की जाए और उनकी विरासत के लिए शील जी की और श्रीमती चांद्रानी जी की, उनके भतीजों राजेश जी और सुनील जी को वो पगड़ी दी जाए। और मैं चाहूंगा कि सभी 5 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करें, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो गजायाणं, नमो लोए सब सामुनं, नमो 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 हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मंगलम मंगलानंद सर्वे बोल भगवान महावीर स्वामी सभी को जय जय। आप सब आज हमारी नानी माँ श्रीमती चांद रानी जैन जी के रसम उठा ले के
सहयोग में हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूं कि कोविड के चलते सबका लुधियाना आना मुमकिन नहीं था, फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने कोशिश करी कि हम सब, आप सब हमारे दुख में सम्मिलित हों और हमारी माताजी को, हमारी मासियों को आप अपना श्रद्धा अर्पित करें। तो आप सबके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। डोली नी रचना है जी सभी देख लो ना कौन कौन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बिट्टू कर चुके हो गए, संजू जी, संजय दासू, तरुण चीना आ गए, देवांग जी, रीना सी आ गए, गीता हुआ मांडे से, नीलम आंटी, ये जैन रंका भी हुआ, प्रमिला जी, सबको एक लेटी जा बाकी